सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सोमवार को परिवहन विभाग के तत्वाधान में चंबा के नए बस अड्डे में एक दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 100 से अधिक चालकों व परिचालकों सहित अन्य लोगों के नेत्रों की जांच की, साथ ही उन्हें नेत्रों के रखरखाव से संबंधित टिप्स भी दिए गए। इस मौके पर परिवहन विभाग चंबा की टीम ने उपस्थित चालकों व परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने यातायात के नियमों का पालन करने, लाल बत्ती की अवहेलना न करने, निर्धारित गति से अधिक वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, दोपहिया वाहन पर सवारी करते समय हेलमेट का प्रयोग करने, चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करने सहित कई अन्य यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलवाई। साथ ही उनसे वाहनों में किसी भी सूरत में ओवरलोडिंग न करने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान चालकों परिचालकों में प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर स्मृति शर्मा, डॉक्टर स्पर्श सहित परिवहन विभाग चंबा की पूरी टीम मौजूद रही। मैं अजय कुमार अपेंडिक ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ चंबा मेडिकल कॉलेज में। तो आज एचआरटीसी की तरफ से जो है आरटीओ ऑफिस चंबा में न्यू बस स्टैंड में आई चेकअप का कैंप लगा हुआ है और आज जो है हम सभी ड्राइवर कंडक्टर की जो है स्टाफ की जो है आईसाइट चेक कर रहे हैं। जिनका विजन हमें थोड़ा कम लग रहा है उनको हम रेफर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए उनकी प्रॉपर जांच के लिए। और यही कैंप सेम शनिवार को भी लगा था एचआरटीसी की तरफ से और आज फिर से हम चेक कर रहे हैं। शनिवार को भी हमने 100 प्लस पेशेंट चेक किए हैं और अभी भी 50 प्लस पेशेंट चेक कर चुके हैं। थैंक यू। मेरा नाम स्पर्श अरिया है और मैं मेडिकल कॉलेज चंबा से आई हूँ। यहाँ पे हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया, आई कैंप ऑर्गेनाइज किया ताकि रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है उसमें हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे इसमें हम लोगों की विजन चेक कर रहे हैं और उसके बारे में लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि आपकी विजन जिसकी विजन कम आ रही है उसको बता रहे हैं कि आपने आपको जाना है, रेफर कर रहे हैं उनको चंबा के लिए ताकि रोड सेफ्टी बनी रहे। इसलिए हम यहाँ आज कैंप लगा। अभी हमने अराउंड 100 पेशेंट देख लिए हैं और उसमें अभी और भी पेशेंट आ रहे हैं साथ में, उनको हम इस बारे में बता रहे हैं और अवेयर करवा रहे हैं। मैं संजीव कुमार स्टूडेंट सुप्री परिवहन अधिकारी कार्यालय चंबा। आज परिवहन विभाग चंबा की ओर से आई कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो कि इसमें कि आज लगभग 100 के करीब ड्राइवर तथा कलेक्टरों ने अपना आंखों का चेकअप कराया तथा परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश सुनील स्नेपर ड्राइवर सभी चालकों परिचालकों से मेरा अनुरोध रहेगा अपील रहेगी जो परिवहन के नियम है उनका पालन करें। रितेश शर्मा, मैं चंबा मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे आई हूँ। आज यहाँ पे एचआरटीसी की तरफ से रोड सेफ्टी मंथ के लिए प्रोग्राम आई कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 100 प्लस पेशेंट्स तो आ गए हैं। जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर जो भी, वो अपना आई विजन चेकअप करवा रहे हैं। कुछ का तो ऑलरेडी जैसे विजन उनको मिला हुआ है क्लासेस, पर कुछ हमारे पास अनडायग्नोस्ड रिफ्रैक्टिव एरर्स के पेशेंट भी आ रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि हम उनको टाइमली उनका रेटिनल और वो सब कर रहे हैं कि उनको विजन ग्लासेस दे रहे हैं। तो इससे पेशेंट्स का भी और रोड सेफ्टी का भी मतलब की तरफ से सबका बेनिफिट है। तो उनका जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है वो अच्छे से चेक हो रहा है और उनको ग्लासेस प्रिस्क्राइब हो रहे हैं, तो रोड सेफ्टी में उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे पहले तो अपना सब आई चेकअप सबको करवा लेना चाहिए, वंस इन लाइफ टाइम तो करवाना ही चाहिए। और ये कि फोन और टीवी स्क्रीन से तो कम रहे, हर एवरी 20 मिनट्स अपना ब्रेक ले, हर 20 मिनट्स के बाद अपनी आई बंद करके 20 फीट की दूरी पे अपना विजन फोकस करें और ठंडे पानी की सीटें मारते रहें, एक्सेसिव यूज ना करें फोन और स्क्रीन का।